नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सुरमई तवा फ्राई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने सुरमई ली है और इसको अच्छे से मैंने वॉश करके लिया है। ये देखिए एकदम फ्रेश है। ये यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोकम आगर लिया है। आपके पास कोकम आगर नहीं रहेगा तो आप नींबू का रस भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने ये मालवनी मसाला लिया है। आप आपके घर में जो मसाला यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हो। और एक काश्मीरी मिर्ची का पाउडर मैंने लिया है, ये तीखा नहीं होता है। और हम डालेंगे नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। इसको हमें ऐसे एक साइड से लगा के लेना है। सुरमई एकदम सॉफ्ट रहती है तो हमें ऐसे ही आराम से लगाना है। दूसरे साइड भी हम सेम ऐसे ही प्रोसेस करके दूसरे साइड भी हम मसाला लगा के लेंगे। सुरमई को हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। ये फिश को आप ऐसे ही सेम मैरिनेट करके फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो। हमें डीप फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में हमें इसको स्टोर करना है। पैन को हमें गरम करके लेना है और इसमें तेल डालना है और तेल को हमें अच्छे से गरम करके लेना है। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं रहेगा तो जो हम फिश तेल में छोड़ेंगे उसका मसाला निकल जाएगा, तो इसके लिए हमें तेल को अच्छे से गरम करना है। सुरमई को पैन में छोड़ दिया है, अभी हम गैस को मीडियम आंच पर रखेंगे। जब हमने फिश को पैन में डाला था तब बहुत सारे बबल्स आ रहे थे। अभी देखिए बबल्स थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि फिश में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है इसके लिए। अभी एक साइड फ्राई हो गई है, अभी फिश को हम पलट लेंगे। दूसरी साइड भी हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। सुरमई का पीस बहुत बड़ा है, ये देखिए मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ। ऊपर से ऐसे एक साइड फ्राई करके ले रही हूँ। सुरमई फ्राई होने के लिए मुझे 4 से 5 मिनट लगे। सुरमई तवा फ्राई बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।